नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार से हल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग के ऊपर से वीडियो बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, फिर गुणा और फिर भाग, ठीक है। तो अभी हमें जिन सवालों की जरूरत नहीं है उनको हटा देते हैं। अभी हम जोड़ और घटाना को करते हैं, इन दोनों को अभी हटा देते हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ी देर बाद हल करेंगे, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, जो भिन्न का जोड़ का सवाल है, इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं यहां पर एक आपको बता देता हूं कि 1/2 + 3/2 + 7/2, ठीक है। अब देखिए, ये दो टाइप के सवाल हैं। ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया दूसरा टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप जो है, इसमें देखिए, यहां पर जो हर है यानी नीचे वाली संख्याएं हैं, ये सभी में बराबर नहीं है। देखिए, यहां पर ये दोनों बराबर हैं लेकिन दो अलग है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, ठीक है। तो जिस सवाल में हर समान हो, ठीक है, जिस सवाल में हर समान हो यानी नीचे वाली संख्या समान हो, तो उसको आप कैसे हल करेंगे, उसको आप डायरेक्ट हल करेंगे। कैसे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, दो, तो आप उसके नीचे लिख देंगे दो, ठीक है, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 1 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10 और 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/2। एक बार और समझ लीजिए, एक और सवाल मान लीजिए आपके सामने आ गया, 5/3 + 8/3 + 2/3, ठीक है, इस तरह का सवाल आ गया। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसका नीचे क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 5 + 8 + 2, ठीक है, 8 और 2 = 10, 10 और 5 = 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15/3, 3 से काट दो, 5 = 15, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा टाइप का जो सवाल है, इसमें हर समान होता है और उसको इस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सवाल, जिसका हर समान होता है तो हम उसको इस तरीके से हल करते हैं। अब जिसका हर समान नहीं होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम ये सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो उनका हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना भी मैं आपको साथ ही बता देता हूं। तो आपको देखिए, 5, 5 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे, यहां पर हम लिखेंगे 5, यहां पर भी लिखेंगे 5, और 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, ठीक है, 5 को ऐसे छोड़ देते हैं, 2 × 2, अब 5 से लगाते हैं, 5 × 5, 5 × 5 और 1 का 1, ठीक है। तो यहां पर हमारा सवाल पूरा हो गया, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 10, ठीक। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां से हटा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पहली वाली भिन्न को हम फोकस करेंगे, ठीक है, इस भिन्न को। तो यहां पर इसके बटे में क्या है, 5, 5 से भाग लगाइए, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 × 10, 2 बार। अब जो 2 आया है उसको इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। सेम अब इस वाली भिन्न के साथ करेंगे, 5 से भाग लगाइए, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब जो 2 आया है उसका गुणा ऊपर 3 में कितना हो जाएगा, 3 × 6, तो यहां पर प्लस है तो प्लस, और 3 × 6 तो ये आ जाएगा 6। फिर इसके बाद में प्लस आ गया यहां पर, अब 2 से भाग लगाइए, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 बार, 5 का गुणा 1 में कर दो, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो गया हमारा 5। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, तो 6 और 4 = 10, 10 और 5 = 15, तो ये आ गया हमारा 15 और बटे में आ गया 10, ठीक है। तो 15/10 आ गया, 5 से काट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो आंसर हमारा आ गया है 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इस तरह से आप इसको हल करेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना भी आया हो तो सेम तरीके से ये सवाल भी होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये भी आपको दो तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए 5/6 हो गया, -2/6 हो गया, -1/6 हो गया। तो जब हर समान होगा तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 6 नीचे है तो 6 लिखेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं को लिख देंगे, यहां पर 5 है, फिर -2 है, फिर -1 है, ठीक है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहां पर 5, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, और बटे में कितना है, 6, तो यहां पर 2/6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हर
समान हो तो बहुत आसान होता है। एक और सवाल देखते हैं, जैसे कि 1/6 हो गया माइनस 2/6 हो गया माइनस 3/6 हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हर समान है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे 6, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 फिर माइनस 2 फिर माइनस 3, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 है प्लस का तो 1 लिख देंगे, माइनस 3 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5, और बटे में कितना है 6, माइनस के 5 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे, माइनस के 4 और बटे में है 6, तो माइनस का 4/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। चलिए अब जो हमारा मेन सवाल है, अब जिसमें हर समान नहीं होगा उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में यहां पर निकाल देता हूं 7, 3 और 7 का, ठीक है। सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 7 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 7 का 7, ठीक है। फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 7 और 3 आ गया, इनका गुणा कर दो, 7 21, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 21, तो एक लाइन खींच के 21 को हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए 21 लिख लिया, अब हमें 7 से भाग लगाना है, 21 में कितनी बार जाएगा, पहली बिंदु को फोकस करेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या है 7 से भाग लगाएंगे, 21 में कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 3 बार, 3 का गुणा कर दो 6 में, कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18। फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 3 से भाग लगाएंगे 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, इस 7 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे इस वाली भिन्न में, ठीक है। 3 से भाग लगा रहे 21 में कितनी बार गया, 7 बार, अब 7 का गुणा 5 में, 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35, तो ये हो गया 35। फिर इसके बाद में माइनस, अब यहां पर कितना है 2, ये वाली भिन्न है, अब यहां पर कितना है 7 से भाग लगाइए, 7 21, 3 का गुणा कर दो ऊपर, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6, ठीक। चलो अब क्या करना है, अब यहां पर जो माइनस वाली संख्या उनको अलग जोड़ लो, प्लस वाली को अलग, तो ये 18 है प्लस का, और यहां पर माइनस 35 और माइनस 6 कितने हो जाएंगे 41, तो ये हो गए हमारे 41 और बटे में आ जाएंगे 21, ठीक है। अब हम 41 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देख लो, 41 माइनस 18, ठीक है। तो ये हम घटाएंगे तो देखिए 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 23, ठीक है। तो बचेगा हमारा माइनस का 23 और बटा 21, ठीक है। तो माइनस का 23 बटा 21 जो है ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहां पर सीख चुके हैं कि भिन्न का जोड़ और घटाना किस प्रकार से किया जाता है। चलिए अब हम सीखेंगे कि भिन्न का गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए उन सवालों को हम यहां पर ले आते हैं। तो ये हमारे गुणा और भाग के सवाल आपके सामने आ चुके हैं, अब हमें इनको हल करना है। तो सबसे पहले गुणा को देखिए, गुणा कैसे हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, यानी नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए यहां पर 2 है, 2 एकम 2 और 2 3 6 कट गया, अब 3 से ये 3 कट गया, अब जो बचा है उसको यहां पर लिखेंगे, ये बचा हमारा 1/7 गुणा यहां पर हमारा बचा 3/5 गुणा यहां पर हमारा क्या बचा 1/1, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो अब गुणा करिए, इसका गुणा यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ऊपर आ गया हमारा 3, ठीक है, और नीचे क्या है 7 और 5 है और 1 है, तो 5 7 35 35 एकम 35, तो यहां पर आ गया हमारा 35, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 3/35, और यही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको गुणा समझ में आ गया तो भिन्न जो है आप देखिए बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए अब यहां पर जो गुणा है, सॉरी भाग जो है, इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है 6/5 है, फिर भाग है, फिर इसके बाद में 3/5 है, फिर भाग है, फिर है 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो भाग है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या क्या है 6/5, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, फिर भाग है तो इसको हम बना देंगे गुणा, ठीक है। तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो भाग के सामने वाली जो संख्या है वो भी उल्टी हो जाएगी, मतलब 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे, इसके सामने जो संख्या है वो भी पलट जाएगी, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलो अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब यहां से देखिए 5 से 5 भी कट रहा है, अब जो बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे, तो यहां पर क्या बचा 2/1 गुणा यहां पर क्या बचा 1/1 गुणा यहां पर बचा 2/1, ठीक है। तो अब सीधे सीधे गुणा कर लो, इसका गुणा यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, ठीक है। तो 2 दूनी आ जाएगा 4, ऊपर आ गया 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो नीचे आ जाएगा 1, नीचे 1 से भाग लगाएंगे 4 में तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत।